वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल साइबर क्राइम पुलिस ने इनकम टैक्स से बचने के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी की धोखाधड़ी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाड़ी और कई फर्जी कागजात बरामद किए हैं। वहीं प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना विजय नारायण मिश्र के अनुसार शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना निवासी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने वाराणसी साइबर क्राइम पुलिस को बताया था कि खुद को SBI का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने उनसे कुछ दिन पहले संपर्क किया था। इसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में उसे जानकारी दी। उसने अच्छी पॉलिसी देने और इनकम टैक्स से बचने के उपाय बताए, साथ ही अपने पते पर 7,00,345 रुपए का चेक मंगवा लिया। शैलेंद्र ने रुपए भेजे तो उन्हें जालसाजी का एहसास हुआ। इसके तुरंत बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच SI सतीश सिंह और हेड कांस्टेबल रविकांत जायसवाल को सौंपी गई। इसके बाद तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि सभी लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर का अनुभव है। हमारी साइबर टीम द्वारा जो है दिल्ली के बदरपुर से दिनांक 22/5/2023 को जो है 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर बनाए थे, ऑफिस बनाए थे। वहां जब गिरफ्तारी हुई तो थाना बदरपुर की भी पुलिस मौजूद थी। उनके पास से जो है एक टाटा की कार गाड़ी जिसका वो लोग साइबर अपराध में प्रयोग करते तो बरामद हुआ है। 10,840 रुपया बरामद हुआ है। 14 मोबाइल बरामद हुआ है। 10 डेबिट कार्ड, 5 डेबिट कार्ड और 16 चेकबुक बरामद हुआ है, जो विभिन्न बैंक के कंपनियों के हैं। यह लोग फर्जी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन करके लोगों को फ़ोन करते थे, फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको झांसा में दे करके चेक मंगाते थे। जो चेक मंगाते थे वह सर्विस टैक्स के नाम से मंगाते थे, लेकिन उस चेकबुक पर ये लोग अपने हाथ से ई सर्विस टैक्स का नाम बढ़ा करके अपने खाते में जो है पैसा मंगा लेते थे। इनके 3 महीना की स्टेटमेंट प्राप्त किया गया बैंक का, जिसमें 18,00,000 की फ्रॉड की जानकारी आई है। इस मुकदमे से संबंधित 7,00,000 रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया था। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी जानकारी में नहीं आया है, पता किया जा रहा है। इनके गिरोह में 3 लोग हैं। जो गिरोह के सरगना हैं ये रियाज खान और अरशद अंसारी हैं और एक रजनी सिंह नाम का व्यक्ति है। फिलहाल साइबर क्राइम पुलिस इन अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई करने में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।